नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नेहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंझौल नगर इकाई एवं छात्र संघ के द्वारा आरसीएस कॉलेज मंझौल के प्रांगण में नारेबाजी करते हुए गेट के सामने एसएच 55 सड़क पर भ्रष्ट वीसी के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करते हुए नगर मंत्री सिमी सिंह एवं मीडिया प्रभारी आलोक जी के नेतृत्व में अर्थी जुलूस एवं पुतला दहन किया गया। इस मौके पर अभावित बेगूसराय समस्तीपुर विभाग संयोजक कन्हैया कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शिवम कुमार एवं नगर मंत्री सिमी सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। हटाया गया है, लेकिन इन पे मुकदमा होना चाहिए और ये पूरे बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी में ये और इनके गुलाबी सचिव जो है मुश्ताक अहमद जी, वो भी भ्रष्टाचारी हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है मांग करता है कि इन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। अभी वर्तमान में जो वाइस चांसलर के द्वारा छात्रों का पैसा, जो एक किसान परिवार से छात्र आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं, उन सभी का पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार बनते हुए सारे पैसा को गमन करने का काम किया। मैं डायरेक्ट महामहिम महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, जितना भी पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार में संलिप्त किया है, सारे पैसा को सूद मूल के साथ हमारे यूनिवर्सिटी को पुनः लौटाने का काम करे, नहीं तो विद्यार्थी परिषद लगातार इस आंदोलन के माध्यम से वीसी को बर्खास्त करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर वीसी बर्खास्त नहीं होते तो महामहिम को हटाने का हम लोग मांग करेंगे। या विद्यार्थी परिषद छात्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है, या छात्रों की आवाज़ को लेकर लगातार संघर्षरत रहती है। इसी को लेकर आज हम लोग वाइस चांसलर भ्रष्टाचार में संलिप्त वीसी को हटाने का मांग कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। बता दें, मौके पर रविराज सिंह, अमृतांशु कुमार, आदर्श भारती, सौरभ कुमार सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। बेगूसराय से कुमार गौरव की रिपोर्ट।